अल्लाहुम्मशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिवीजन लेक्चर जो होने वाला है वो केमिकल बॉन्डिंग है। कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। हम स्टार्ट में ही सही बात करते हैं कि यार ये जो बॉन्डिंग होती है ना आपके पास, ये जो होती है इट इज ऑफ फोर टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं? आयोनिक बॉन्डिंग, सबसे पहली बॉन्ड है आयोनिक बॉन्डिंग। दूसरी टाइप है कोवेलेंट बॉन्डिंग, तीसरी टाइप है मेटालिक बॉन्डिंग और फोर्थ टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, बहुत लोग कंसिडर करते हैं कि फोर्थ टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है। बॉन्डिंग होती क्या है? बॉन्डिंग इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। एक सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मेटालिक बॉन्डिंग होती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज डीलोकलाइज्ड आयंस। ठीक है, क्या आप ऑलरेडी जो है वो पीछे पढ़ के आए हुए हैं ओ लेवल से? अच्छा जी, इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्मड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम। और जो मेटल एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जिनको हम कैट आयंस कहते हैं। और जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो नेगेटिव आयंस बनाती हैं, जिनको हम एन आयंस कहते हैं। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट लेकिन लेकिन ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डू नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इट इज आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हम इसकी बात आगे जो है वो आगे जरूर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि यार आपके पास जब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट में। स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरा जो होता है वो जॉइंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा जी, जॉइंट स्ट्रक्चर्स में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, फर्दर मेटल्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल इज बेसिकली एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इन विच एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड हैज जॉइंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये बात याद रखी जाए कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है? जॉइंट स्ट्रक्चर्स जो हैं दे कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ इधर एटम्स और आयंस अरेंज्ड इन सेम रेगुलर वे बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड। ऑल मेटल्स या आयनिक कंपाउंड्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर बताएं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंटली बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा जी, एक और चीज जो आती है वो है लैटिस। बच्चा जी लैटिस क्या है यार, कोई बताए? लैटिस इज बेसिकली अ रेगुलरली रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, रेगुलरली रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशंस। इट इज बेसिकली ऑफ कितने टाइप्स? पहली टाइप जो है
टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स या लैटिस देखें तो एटॉमिक क्रिस्टल्स आते हैं आपके पास। दूसरी टाइप सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, तीसरी टाइप मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। चौथी टाइप मेटैलिक क्रिस्टल्स। पांचवी टाइप आयोनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, ये क्या थे? ये जो है ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स या लैटिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। और जैसा कि ये रिवीजन हुआ है ना, तो हम ज्यादा डिटेल को तो नहीं देखते, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अच्छा जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द रिलेटिव एबिलिटी, यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? हम ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस अगर कम कर दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात भी आप प्लीज याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, अगर मैं अट्रैक्शन बढ़ा अट्रैक्शन बढ़ा दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर मैं रिपल्जन बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। अच्छा जी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अब हमने डिपेंड फैक्टर्स देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एटम्स इन द सेम पीरियड विद अ ग्रेटर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि एटम्स इन द सेम ग्रुप इन विच द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द पुल ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोअर। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कि इट इज द ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ सब शेल्स द लोअर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार दो कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं, अगर उनकी उनकी अगर डिफरेंस जो है इट इज ग्रेटर देन टू तो आयोनिक बॉन्डिंग हो रही होगी, और अगर डिफरेंस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.5 या उससे कम है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अच्छा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, अब हम देखते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या है लिख लेते हैं कि इट इज दी एबिलिटी ऑफ कैट आयन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्टॉर्ट एन एन आयन। ठीक है, ये पोलराइजिंग बात, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ
ऑफ एन एन आयन टू अंडरगो डिस्टॉर्शन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैट आयन। ठीक है, एक बात याद रखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कोवेलेंट के लिए होती है सिर्फ। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में, आयनिक कंपाउंड में कुछ भी नाम इस चीज का नहीं होता। पोलराइज ये आयनिक में होती है। क्या आयनिक में होती है? पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, दे आर इन आयनिक। अच्छा, पोलराइजिंग पावर जो होती है इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन चार्ज एंड डिक्रीजेज इन साइज एंड इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन साइज ऑफ आयन। एंड द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, एग्जाम्पल एन ए पॉजिटिव, एम जी टू पॉजिटिव, ए एल थ्री। इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटॉन 11 12 13। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज डिक्रीजिंग। चार्ज इज इंक्रीजिंग। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव आयंस थे, तो अगर नेगेटिव आयंस को देखें, सो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2 8 2 8 7 एट। साइज ऑफ नेगेटिव आयन इज डिक्रीजिंग। पोलराइजेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। ठीक हो गया, तो इस तरह की बातें हैं, कुछ जरूरी जो हैं वो बातें। अच्छा जी, हमने ये बात कर, अब जो है वो हम बात करते हैं डेटिव बॉन्डिंग। बेटा डेटिव बॉन्डिंग क्या होती है? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन व्हिच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर आर प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द एटम। ठीक है, द डोनर एटम शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट यूज इन बॉन्ड एंड द एक्सेप्टर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टू बी, यानी कि ए जो है वो बी को इलेक्ट्रॉन दे, वेयर ए इज अ डोनर एटम एंड बी इज एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो ये डेटिव बॉन्डिंग की इतनी कोई खास टॉपिक नहीं है। जो डिटेल लेक्चर्स हैं, 2 1.5 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें डेटिव बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। आगे हम आते हैं, तो हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अच्छा, VSEPR थ्योरी स्टेट्स दैट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डेड पेयर्स और लोन पेयर्स।
इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल वन अनदर एंड मूव एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। ठीक है, शेप्स कौन कौन सी थी हमने पढ़ी थी, ट्राइगोनल प्लेनर, लीनियर, टेट्राहीड्रल, नॉन लीनियर, ऑक्टाहीड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये बात भी की थी कि द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग दिस थ्योरी विद द मोस्ट स्टेबल शेप बीइंग दैट व्हिच मिनिमाइजेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑल कंसिडर्ड एज बॉन्ड पेयर्स हैविंग सेम रिपल्शन। ठीक है, इसके लिए हम जो है वो आसानी के लिए अपनी एक बना देते हैं। जी, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बताएं, लोन पेयर्स कितने हैं, टोटल कितने हो गए, एंगल क्या होगा उसके दरमियान, शेप क्या होगी, और वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स टू हैं, लोन पेयर्स जीरो हैं, टोटल जीरो होते हैं, तो इसमें एंगल जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। कंप्लीट लेक्चर में आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इसकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है और ये जो होता है ये प्लेनर होता है। बॉन्ड पेयर अगर थ्री करते हैं, जीरो लोन पेयर्स रखें, टोटल 3 + 0 = 3 होता है, एंगल जो होता है वो 120 डिग्रीज हो जाता है और जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है तो प्लेनर होगा। बॉन्ड पेयर्स अगर फोर कर दें, जीरो लोन पेयर्स कर दें, फोर कर दें, एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्रीज होगा और इसकी जो शेप होगी वो टेट्रा हीड्रल होगी और इसको हम कहते हैं नॉन प्लेनर। बॉन्ड पेयर्स अगर फाइव कर दें, लोन पेयर जीरो कर दें, तो एंगल जो होगा वो 90 और 120 दोनों, सॉरी बॉन्ड टोटल फाइव हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 90 और 120 दोनों हो सकते हैं, शेप जो हो जाएगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। ठीक है, एंड दिस विल बी नॉन प्लेनर। बॉन्ड पेयर सिक्स, लोन पेयर जीरो, टोटल सिक्स, एंगल विल बी 90 डिग्रीज, शेप विल बी ऑक्टाहीड्रल एंड इट विल बी नॉन प्लेनर। बॉन्ड पेयर थ्री का, लोन पेयर वन, टोटल फोर हो गए, एंगल विल बी 107, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडली ट्राइगोनल पिरामिडल। और नॉन प्लेनर है, बॉन्ड पेयर थ्री, लोन पेयर टू, नहीं सॉरी, बॉन्ड पेयर टू, लोन पेयर टू, टोटल फोर, एंगल विल बी 104.5, शेप विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, एंड दिस विल बी प्लेनर। बॉन्ड पेयर टू, लोन पेयर वन, टोटल विल बी थ्री, एंगल विल बी 117 डिग्री सेल्सियस एंड दिस विल बी नॉन लीनियर एंड दिस विल बी प्लेनर। बॉन्ड पेयर फोर, लोन पेयर टू, सिक्स हो गया टोटल, एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर और ये जो होगा ये ऑफ कोर्स स्क्वायर प्लेनर है तो प्लेनर होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। तो हमने एक और समरी जो है वो मैं इधर आप एक स्क्रीन पर देख सकेंगे और वो समरी जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो समरी जो है आई एम श्योर वो आपको अब नजर आ रही होगी वो समरी। तो ये समरी भी जो है ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था, अभी लिखते लिखते बहुत टाइम हो जाता, तो ये जो समरी है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम बॉन्ड्स की बात करें तो हम दो बॉन्ड्स में आते हैं, पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं वो भी आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो है वो हम आगे आते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्डिंग IMF, ये वो IMF नहीं है जो हमें कर्जा देता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। हम ये कहते हैं कि बेटा देखो IMF जिसको आप वैंडरवॉल फोर्सेस कहते हो,
वैंडर वॉल फोर्सेस, उसमें तीन किस्में, ठीक है? आपके पास आईडी आईडी है, आपके पास पीडी पीडी है, और आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। आईडी आईडी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तीन नाम है। हम जो मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे वो इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल है। पीडी पीडी क्या है? परमानेंट डायपोल, परमानेंट डायपोल। और ठीक है, ओके। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीडी पीडी फोर्सेस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? स्पेशल टाइप ऑफ पीडी पीडी फोर्सेस। आईडी आईडी फोर्सेस की बात करें तो आईडी आईडी इंट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन ऑल सिंपल मॉलिक्यूल्स, आइदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, दे आर प्रेजेंट इन नोबल गैसेस एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट लेयर्स, ठीक है? आईडी आईडी आर द ओनली मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर है अगर तो वो आईडी आईडी होगा, जो भी नॉन पोलर होगा वो आईडी आईडी होगा। पोलर होगा अगर कोई कंपाउंड, वो आपको देखना होगा कि वो आईडी आईडी शो कर रहा है ये पीडी पीडी शो कर रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे अगर बात करें हम, तो हम ये बात पीडी पीडी, अच्छा पीडी पीडी की तो हमारे सिलेबस में ज्यादा बातें नहीं है। आप देखो, आपके पास आईडी आईडी है, पीडी पीडी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप जब मूव करते हो इस तरह इस साइड पे, तो आपकी जो, तो आप ये कहते हो स्ट्रेंथ, ये अच्छा है ना, ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इंक्रीजिंग, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम अगर आगे बात करें, तो हम ये कहते हैं कि जो आईडी आईडी फोर्सेस, हम ज्यादा बात आईडी आईडी फोर्सेस करते हैं, पीडी पीडी की काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आईडी आईडी फोर्सेस है, ये आती कैसे हैं? ये आती ऐसे है कि देखें, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मॉलिक्यूल बिकम्स अनसिमेट्रिकल फॉर अ शॉर्ट मोमेंट। एक ऐसा मोमेंट आता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी हिलजुल जाती है और टेम्पररी डायपोल्स जो हैं वो आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये जो मॉलिक्यूल है इट इंड्यूसेस ऑपोजिट डायपोल्स इन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, दीज टू टेम्पररी डायपोल, ये टू डायपोल, एंड दीज टू टेम्पररी डायपोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड पुल द मॉलिक्यूल टुगेदर, और दीज फोर्सेज ऑपरेट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंज। उसके बाद हम ये कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस, थ्री फोर्सेस इंक्रीजेस इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल बिकम्स मोर पोलराइजेबल, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉइंट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक हो गया? अच्छा जी, मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? टू रिक्वायरमेंट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और वो ये हैं कि एन हाइड्रोजन है बॉन्डेड एन नेगेटिव ओ, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन, जस्ट वेट। ओ एन एफ एच पॉजिटिव, एफ डेल्टा नेगेटिव, ठीक है? सेकेंड इक्वल प्लीज एच ओ डेल्टा नेगेटिव एच एच डेल्टा पॉजिटिव ओ एच। बेसिकली द टू कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज दैट वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ आइदर ऑक्सीजन, आइदर नाइट्रोजन और आइदर फ्लोरीन, एंड द इन अदर मॉलिक्यूल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, ठीक हो गया? वी से दैट इन अ हाइड्रोजन बॉन्ड द हाइड्रोजन एटम
लाइज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू वन ऑफ देम एंड कोवेलेंटली टू दी अदर। ठीक हो गया। ओके जी, मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। वी से दैट टॉकिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इज दिस साइड एंड वी से दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द एंड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड द पाई बॉन्ड is formed by the sideway overlap of p orbitals. A single bond consists of one pi bond, a double bond consists of one pi bond and one sigma bond, and a triple bond consists of one sigma bond and two pi bonds. And the sigma bond is always stronger than a pi bond. Moving on to the next topic, we talk about hybridization. What is hybridization? We say that mixing of different orbitals to form same energy levels. Mixing of different orbitals to form same energy levels. एंड ओनली सेंट्रल एटम जो है वो हाइब्रिडाइज होता है, ऑर्बिटल इज द सेम शेल्स हाइब्रिडाइज। ओके ओके, हाइब्रिडाइजेशन की बाकी जो है वो आप कंप्लीट लेक्चर देख लो। दिस इज वाज इट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इनफ फॉर केमिकल बॉन्डिंग की रिविजन। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कीर्तन बाकी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।